की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स को निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे कि डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती। और डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। जी हाँ, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर भी है, वो ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को जाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो यही है कि आप कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले लीजिए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दीजिए, जिससे कि आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मौका मिले और आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सके। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि ये जो डीप वर्क है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये समरी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द आइडिया, जिसमें 3 चैप्टर है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जहां पर हमें पता लगेगा कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ना ये दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी, और दूसरा ये कि किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। तो हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इक्वेशन को लेते हैं जो कि इस तरीके से है, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। कहने का मतलब ये कि अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के टॉपर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे कि वो अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें जरूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना ना एक रूटीन सा बन गया है, मतलब आदत ही हो गई है। अब सोफी लीरोय को ले लीजिए, जो कि एक रिसर्चर है, और वो ये साबित करती है कि अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज होती है। जी हाँ, टास्क ए को फिनिश किए बिना जब आप टास्क ए से टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तो होता ये है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक्स को सीखेंगे ना, जो कि समरी में दी गई है, और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर कि आप कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि डीप वर्क रेयर होता है। जी हाँ, टॉम कोहेन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे कि सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉइज की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल करके देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग सा कैबिन दे दिया जाता है, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके और अपने आइडियाज को शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि ये उन्हें डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। वैसे अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं, अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज करते हैं, वो अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लग जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत सारा काम करते हैं, और साथ ही जैसा कि आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो कि एक तरीके से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कॉम्पीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कहता है डीप वर्क मीनिंगफुल है। जी हाँ, रिक फ्यूरर एक ब्लैक स्मिथ है, वो एंशियंट और मेडिटेबल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट है, जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपनी शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे तलवार बनानी है तो उसे ये हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे,
और हर बार हथौड़ी की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। तो इस तरीके के काम में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई भी फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और ये आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। जैसे लॉरा अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए MRI स्कैनर यूज करती है, तो वो जानना चाहती है कि ब्रेन का एक हिस्सा जिसे एमिग्डाला कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्ट करता है। तो उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस से ही अफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती है कि बड़े लोग बहुत सुखी थे इसीलिए उन्हें पॉजिटिव इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरीके से रीवायर्ड हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। तो अपने अटेंशन को इस तरीके से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब सिर्फ विचारों को यानी कि थॉट्स को बदल करके किया था, ना कि किसी बाहरी बदलाव से। तो ये बात भी साबित हो गई है कि छोटी छोटी चीजें जो पॉजिटिव लगती है, जैसे कि ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना या ऑफिस पॉलिसीज पर बात करना, ये सब मिलकर के आपके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप कर लेती है जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, कितना टेंशन है और कितना डिप्रेशन है। और वो इसीलिए कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुने और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा दे। इन शॉर्ट कहे तो आपको ना एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है। जैसे कि Csikszentmihalyi एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ECM यानी कि एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप खास मोमेंट पर अपनी फीलिंग को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसे ये साबित होता है कि आपकी लाइफ के जो भी बेस्ट मोमेंट आपके साथ होते हैं एग्जैक्टली वो तब होते हैं जब आपका माइंड और आपकी बॉडी किसी डिफिकल्ट और कीमती चीज को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस्ड हो जाती है और इसी स्टेट में आप सबसे खुश हो सकते हैं। और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है, जिस पर किताब भी लिखी जा चुकी है। तो इसी के साथ पार्ट वन द आइडिया यहीं पर खत्म होता है और आगे पार्ट टू की बात करें तो वो है द रूल्स। जी हाँ, डीप वर्क को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट मेथड है वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां पर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर आप डीप वर्क को कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है। और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4321 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम में आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है ये बताने के लिए कि आप जो काम करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है ताकि आप उसके बारे में सोचने लग जाएं। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है ताकि जब आप काम शुरू करें तो उसे बीच में छोड़ के आपको ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं। और जो फिफ्थ रूम होता है वो है साउंड प्रूफ। जी हाँ, सबसे अलग, ताकि उस काम को करते समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यही वो रूम है जहाँ पर डीप वर्क होता है। अब 90 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं जिससे कि आपको अपने ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से ये विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी ना खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज में पाते हैं जहाँ इनबॉक्स के मैसेज और ये ईमेल्स नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती ही रहती है। ये ऐसी सेटिंग होती है जहाँ पर कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपने ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरीके से शैलो वर्क, यानी कि ऐसा काम जिसे करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है और उसके रिजल्ट का तो आधा पता भी नहीं है, तो इस काम को कहते हैं शैलो वर्क, जो कि करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। जी हाँ, डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का जो सीक्रेट है ना, वो यही है कि गुड इंटेंशन से आगे निकला जाए।
डीप वर्किंग स्टेट में आने की कोशिश करना और अपनी डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स को ऐड करना जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो कि टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम आपको चार ऐसी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं जो कि माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकती है। सबसे पहली है मोनेस्टिक अप्रोच। ये स्ट्रेटेजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मंक या पुजारी की तरह ही होते हैं जो कि खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से हमेशा दूर रखते हैं। जैसे कि आप किसी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते। तो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डोनाल्ड नूथ का। तो कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए ये बहुत फेमस है, खास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। तो जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पर आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूँ, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। 1975 यानी कि 1975 तक मैं ईमेल यूज करता था और मुझे लगता था कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका यूज ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्टेड कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छाट कर रखता है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं वो उनका रिप्लाई देते हैं। मोनिस्टिक फिलोसफी की प्रैक्टिस करने वालों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। तो इसी के साथ अब आगे जानते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में जो है बाय मॉडल अप्रोच। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो कि खुद को पूरी तरीके से दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। वो सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर के लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो भी लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए भी जाना होता था और पैसा कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टाइम आप अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बाय मॉडल वर्कर मोनेस्टिकली काम करता है। वो अपना सेलफोन ऑफ करके हर चीज से दूर रहेंगे। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फोन भी बंद है जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और फिर आप रूम में बाहर आकर के 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये बाय मॉडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से काम करे, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर रियल में ब्रेक थ्रू होता है। जी हाँ, और इसी के साथ आगे है थर्ड टेक्निक जो है रिदमिक फिलॉसफी। जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम को चूज किया जा सकता है और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर ले तो आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है और ये आप तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन को बढ़ती हुई ना देख ले। बस ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। आइए इसी के साथ आगे जानते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी के बारे में जो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जी हाँ, जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले भले आधा घंटा तो आप ना डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए बैठ जाइए। यानी कि एक्शंस आपको क्या लेने होंगे, तो अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा है। जैसा कि उनके बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था, चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठकर के एक शॉर्ट वॉक लेते थे, फिर अकेले बैठकर के अपना नाश्ता करते थे
और 8 से 9:30 के बीच में वो स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वो 1 दिन पहले के लेटर्स को चेक करते थे, जिसके बाद वो 10:30 से 2:00 तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद में वो अपने ग्रीन हाउस से अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगते थे गहराई से सोच विचार किया करते थे। जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी तो उनकी जो वर्क है वो चलती रहती थी। उसके बाद ही वो अपने उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। वाह क्या बात है। तो बेशक ना हम ये नहीं कह सकते कि आप भी ना यही सब कुछ करें, डिट्टो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। एंड आई थिंक अभी तक सुनने के बाद में आप अंदर भी फील कर रहे होंगे कि यार ये तो मतलब ठीक है, बेस्ट है, करना ही चाहिए और कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट मिला है लोगों को। तो आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच कर रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो चूज करनी ही पड़ेगी जहाँ पर आप डीप वर्क कर सके और एफर्ट दे सके। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट्स स्ट्रक्चर्ड हो पाए, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे, आपको इसके लिए एंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत ना 1 कप कॉफी के साथ कर सकते हैं और साथ में पहले से ना सब कुछ सोच करके रख लीजिए, जिससे कि आपकी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस मोमेंट पर आपकी क्या जरूरत है। और आगे जानते हैं इसी के साथ, मेक ग्रैंड जेस्चर। जी हाँ, जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लास्ट बुक घर पर फिनिश नहीं कर पाई थी कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे ना वो एक होटल में रहने के लिए चली गई जो महंगा तो था, लेकिन वहां जाकर के वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। तो जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे 100% कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। तो क्या आपको अकेले काम करना चाहिए, सवाल ये है। कोलैबोरेशन नए आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देता है, हालांकि इस वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हो, मगर डीपली सोचने के लिए अकेले ही रहे। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रेटेजी अपनाई है, और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया कि करना क्या है, ये नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवालों के जवाब में काफी डिफरेंस है, और इसे 4 disciplines ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है, और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन है वाइडली इम्पोर्टेंट पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें, और इसमें मोटिवेशन से काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। दूसरा डिसिप्लिन है लीड मेजर्स पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और ये है लेग मेजर्स और लीड मेजर्स। जी हाँ, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेग मेजर्स और लीड मेजर्स आखिर है क्या। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो है लेग मेजर्स। और अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देते हैं तो ये लेट मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इम्प्रूव करने के लिए आपको लेट मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की ही जरूरत है। आगे है थर्ड डिसिप्लिन, जो है एक कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड रखे। जी हाँ, इस स्टेप के मुकाबले आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। फोर्थ डिसिप्लिन है अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहे और इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना ले। लेकिन बात ऐसी कि कितना ही कुछ क्यों ना हो, ये जो लेजीपन होता है ना, मतलब आलस, ये जाता ही नहीं है। तो हम कहेंगे इस किताब के अकॉर्डिंग
लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, खुश हो जाइए। हमेशा खुद को मौके दीजिए कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए, ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सके, जिसका मतलब है रेस्ट करना, यानी कि आराम करना। और पहला रीजन ये है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव होती है। और दूसरा रीजन ये है कि आपको एनर्जी रिचार्ज करने में हेल्प करती है, जिससे कि आप डीपली वर्क कर सके। और तीसरा रीजन ये कि ज्यादातर काम करते टाइम आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आपके लिए ना रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरे दिन गधों की तरह शैलो वर्क किया है, यानी कि बिना दिमाग का काम किया है, तब तो आप नहीं थकेंगे। चलिए, ये सब बातें हो गई है तो आगे रूल नंबर टू यानी कि मेथड नंबर टू पर फोकस करते हैं, जो है बोर्डम को गले लगाए। मतलब ये कि ज्यूइश आदमी था जो हर सुबह उठ करके अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ता था, बार बार एक ही बुक को इस तरीके से पढ़ने से उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हर दिन किताबें पढ़ता था। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से प्रैक्टिस करके एक्चुअली अचीव की जा सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं। तो हम सबके अंदर ये एबिलिटी है, मगर हम ना इसे ट्राई करना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, एक बार फिर से आपको पता चल गया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमेशा ना आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करे। ये ऑब्वियस ही बात लगेगी, मगर सच भी है कि इसीलिए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट अगर देखें तो अगर आपके काम में इंटरनेट का ज्यादा यूज होता है या आपकी बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा, तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज ना हो। और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि अपने घर और ऑफिस में अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो सकती है। और आगे थर्ड रूल है, सोशल मीडिया को छोड़ दे। हाय, इसे सुनकर के तो बड़ा दुख हो रहा है आपको, बट बात ऐसी है कि इस किताब के अकॉर्डिंग बारा टुंडे थ्रस्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ को छोड़ने का फैसला किया और फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसकी लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए तो वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना ना पॉसिबल नहीं है और ना ही एक सोल्यूशन है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। और अब सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कई बार आपकी लाइफ में कोई गोल हासिल करने में आपकी मदद करता है। और देखा जाए तो इसके एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप ये श्योर कर ले कि इस 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि जो रिजल्ट है ना वो ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हो जाए। तो 30 दिन के लिए ना खुद को इंटरनेट से दूर रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते हैं, या फिर लोग आपको एकदम पागलों की तरह मिस कर रहे हैं कि हाय आप ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे, तो बिल्कुल बेशक आप फिर से ऑनलाइन जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखे। अब ये तो जब आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है और सिचुएशन कैसी है। तो साइड नोट में लिख लीजिए कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किया जाए? इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंस किया जाए, राइट? बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, जिससे कि आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। और आगे है चौथा रूल, ड्रेन द शैलो। यानी कि 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग तो आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने अपने काम को फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरीके से एलिमिनेट करके रख दिया था
और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। जी हाँ, वैसे बेशक आपको अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है, अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वो होता है जिसमें आपके ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप लेजी होकर के काम करते हैं और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू एड नहीं करते हैं और ये इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। शैलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही ईमेल्स आपको भेजेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में जरूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता तो पहली बात तो वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे कि आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लाई के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा करके नहीं बल्कि क्लियर होता है, तो उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना, अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा है, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा है, अगर इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रपोजल नहीं है, या आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई ना करने से कुछ नुकसान होगा, राइट? तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी से आपने क्या